उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने इस बात पर नाराजगी जताई कि 10 साल तक शासन करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर झूठ बोल रहे हैं। कुसुमंची में कांग्रेस के चुनाव प्रचार के दौरान भट्टी ने कहा कि हर घर में डबल बेडरूम घर और नौकरियां देने का वादा किया था और एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के लिए मुफ्त बस सुविधा, 200 मुफ्त बिजली, आरोग्यश्री और 500,000 रुपये की गैस योजनाएं लागू की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। उनके आने के 3 महीने के भीतर ही किसानों का बीमा कर दिया गया। बीआरएस सरकार द्वारा छात्रों के मेस बिल का भुगतान नहीं करने पर उन्होंने कांग्रेस सरकार की आलोचना की। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुसनाबाद के विधायक के रूप में जीतने के बाद मैं मंत्री बन गया। इसी तरह करीमनगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वेलीचला राजेंद्र राव को 13 मई को संसद चुनाव जीतना चाहिए। बाद में मुलकनूर चौराहे पर आयोजित नुक्कड़ सभा में मंत्री पूनम प्रभाकर की मौजूदगी में कई पार्टियों के नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इसके अलावा पूनम ने आपकी सभी समस्याओं को हल करने और आप सभी के लिए चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए दूसरी पार्टी को निर्वाचन क्षेत्र जीतने के लिए कहा। मेरे बाद विनोद कुमार और बंडू संजय सांसद बनकर आए और बताया कि उन्होंने इस मंडल के साथ क्या किया। अम्बेडकर ने पूनम को गवाह के तौर पर इस पर चर्चा करने की चुनौती दी। महिला సోదర మనులు ఆటోల దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు అందరి వాహనాన్ని ముందు రావాలి తల్లి। जैसे जैसे संसद चुनाव नजदीक आ रहे बीजेपी ने प्रचार में अपनी आक्रामकता बढ़ा दी है। बीजेपी नेता घूम घूम कर लोगों को पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बता रहे हैं। अड्डागुट्टा ए सेक्शन से शुरू हुआ और डी सेक्शन वेंकटनगर होते हुए साईनगर पुलिस स्टेशन रोड तक गया। मार्च के दौरान दिलचस्प नजारा देखने को मिला। सिकंदराबाद में एक दादी बीजेपी घोषणा पत्र 2024 को बड़े चाव से पढ़ती नजर आई। इस प्रकार भाजपा नेता इस बात से खुश थे कि भाजपा के 10 साल के सुशासन की उपलब्धियों की मोदी को गारंटी वाला पर्चा पढ़ना मोदी पर विश्वास का प्रमाण है। इटला राजेंद्र ने कहा कि लोग कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है, जिसने उन्हें 6 गारंटी के नाम पर धोखा दिया और किसान ऋण माफी के साथ नाटक शुरू किया। छावनी के साथ साथ सिकंदराबाद में भी भाजपा विधायक प्रत्याशी वंशी तिलक के साथ इटला राजेंद्र ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मशीनीकृत क्षेत्र के आगमन के बाद हालांकि हथकरघा पेशे को बहुत नुकसान हुआ। तेलंगाना सरकार ने हथकरघा श्रमिकों को कई सब्सिडी प्रदान की है। बीजेपी की 2 पार्टियों को जोड़कर विकास का समर्थन करना चाहिए। हैदराबाद में बंडारू दत्तात्रेय ने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शिष्टाचार मुलाकात की। केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने पर वेंकैया नायडू को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। 75 वर्षीय वेंकैया नायडू ने अपने 46 साल के राजनीतिक करियर में विधायक, भाजपा राज्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और उपराष्ट्रपति के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। रंगारेड्डी जिले महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस और बीआरएस ने अपने गढ़ खो दिए। निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी अंधेला श्री रामलू यादव के नेतृत्व में मीरपेट निगम के 8 नगर सेवकों ने चेवला सांसद उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के आवास को भगवा अंगवस्त्र ओढ़ लिया। इस मौके पर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा, उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन की कार्यकुशलता को देखकर पूरे देश की जनता बीजेपी की जय जयकार कर रही है। उन्होंने कहा कि मीरपेट कॉरपोरेशन, कांग्रेस और बीआरएस की बड़ी संख्या में लोग लोटस पार्टी में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में रंगारेड्डी जिला अध्यक्ष बोक्का नरसिम्हा रेड्डी, संयोजक एलमेटी देवेंद्र रेड्डी, राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य कोलन शंकर रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। मलकाजगिरी जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सिंगी रेड्डी हरिवर्धन रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को मलकाजगिरी संसदीय क्षेत्र को उपहार के रूप में देना चाहिए। सिंगी रेड्डी हरिवर्धन रेड्डी ने चुनाव अभियान के तहत मेडचल में पार्टी नेताओं के साथ एक रोड शो किया। सिंगी रेड्डी हरिवर्धन रेड्डी ने कहा कि मलकाजगिरी संसदीय क्षेत्र को वापस जीते और रेवंत रेड्डी को उपहार के रूप में दे। उन्होंने हमसे आगामी चुनाव में अपने मुख्यमंत्री की ताकत बढ़ाने और विकास और कल्याण कार्यक्रमों को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने के लिए कहा। इस कार्यक्रम में पटनम की सुनीता महेंद्र रेड्डी, मलकाजगिरी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नक्का प्रभाकर गौड़, शमीरपेट मंडल के प्रभारी और अन्य ने भाग लिया। ओयू के शोध छात्रों ने टीआरएस पार्टी के एजेंट ओयूवीसी रविंद्र यादव पर अपना गुस्सा जाहिर किया है, जिन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पानी और बिजली की कमी एक साजिश है। भट्टी विक्रमार्क के व्यस्त कार्यक्रम में छात्रावासों में रहकर छात्रों को विश्वविद्यालय में आश्रय प्रदान करने और उन्हें भयमुक्त होकर पढ़ाई करने की विशेष पहल करने के लिए शोध छात्रों ने डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क को धन्यवाद दिया। वैश्विक प्रचार पर कि पानी की कमी और बिजली एक समस्या है, यदि वह छात्रों से प्यार करते तो केसीआर को ओयू से तेलंगाना विश्वविद्यालय की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय आना चाहिए। सनराइजर हैदराबाद के स्टार क्रिकेटर ने कोंडापुर के शरद सिटी कैपिटल मॉल में लोकप्रिय फैशन बैंड राणा में धूम मचाई है। सनराइजर हैदराबाद राणा का आधिकारिक भागीदार है। स्टार क्रिकेटर हेनरिक क्लासेन
अब्दुल समद, नीतीश कुमार रेड्डी, जयदेव उनादकट, टी नटराजन ने जोशीले अंदाज में फैंस से बात की। इसके बाद उन्होंने प्रशंसकों द्वारा पूछे गए सवालों का उत्साहपूर्वक जवाब दिया। जैसे ही पता चला कि क्रिकेटर खरीदारी करने गए हैं तो क्षेत्र क्रिकेट प्रशंसकों से गुलजार हो गया। रॉन के प्रशंसकों की भीड़ थी, वे अपने पसंदीदा क्रिकेटरों को देखकर रोमांचित थे, वे सेल्फी लेने के लिए उछल पड़े। रॉन के नवीनतम संग्रह ने स्टोर में कई आगंतुकों को आकर्षित किया है। बहुत खुशी हो रही है ऐसा रच के इतने सपोर्टर्स को देख के। मरकजगिरी संसद के अंतर्गत उप निर्वाचन क्षेत्र धर्मपुरी कॉलोनी श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर ने वार्षिक रजत जयंती समारोह मनाया। इस रजतोत्सव वार्षिक उत्सव के हिस्से के रूप में सांसद उम्मीदवार रागिनी लक्ष्मा रेड्डी ने श्री शिरडी साईं बाबा का दौरा किया और विशेष अभिषेक पूजा की और स्वामी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद बीरप्पा गड्ढा साईराम नगर कॉलोनी कल्याणपुरी कॉलोनी में मरकजगिरी संसद उप निर्वाचन क्षेत्र सातवें डिवीजन चिलुका नगर में घर घर अभियान में भाग लिया। मरकजगिरी संसदीय उम्मीदवार ने नारे लगाए कि चलो तांबे की कार चुनाव चिन्ह के लिए वोट करें और इस संसद में भेजें। इस कार्यक्रम में नगर सेवक बन्नाला गीता प्रवीण मोदीराज, मधुकर रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, प्रवेश सिंह, बीआरएस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रशंसक और अन्य लोगों ने भाग लिया। दसवीं कक्षा के नतीजे जारी होते ही कई स्कूलों में दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने जश्न मनाया। इसी क्रम में बाग अंबरपेट स्थित नव्या ग्रामर स्कूल में स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने अभिभावकों के साथ पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल भास्कर रेड्डी ने दसवीं कक्षा में अच्छा अंक हासिल करने के लिए छात्रों को स्कूल और से धन्यवाद दिया। स्कूल के प्रिंसिपल भास्कर रेड्डी ने कहा कि दिव्या 9.8, रुषिता 9.7, गणेश 9.7 स्कूल की छात्र कक्षा 10 में समर्पण के साथ पढ़ते हैं। इसी तरह नव्या ग्रामर स्कूल पिछले 20 वर्षों से शिक्षकों की मदद से अंबरपेट में स्थापित किया गया है और सबसे कम छात्रों को पढ़ा रहा है। आई एम वेरी प्राउड टू बी इन नव्या ग्रामर हाई स्कूल। I have achieved my goal of 9.8. Thankful to all my school management and respected principal sir. I have to thankful to my parents. They have do so much hard work to me. Thank you so much. Good afternoon everybody. Today I am Good afternoon everyone. I am Rishita. I am today standing with 9.7 GPA. This is all possible with my parents and my principal sir. Teachers, everybody supported me very much. I feel so blessed to be a student of Navya Grammar High School. Today I am standing in this point and achieving my lifetime goal. I think I am blessed to be a part of this school. Thank you so much everyone. 9.7. पूरे टीचर्स और टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है और टीचर्स की हेल्प की वजह से इतने अच्छे रिजल्ट्स है हम लोगों को। एंड भास्कर रेड्डी सर भी बहुत अच्छे कोऑपरेटिव है, सर की हेल्प की वजह से और टीचर्स के हार्डवर्क की वजह से इतने अच्छे मार्क्स है हम लोगों को। हैदराबाद के हाफजीगुड़ा इलाके में आधे घंटे की बिजली कटौती के कारण किसरा डिविजनल इंजीनियरिंग DEL भास्करों को तेलंगाना स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के CMD मुशरफ फारूकी ने निलंबित कर दिया था। आपात स्थिति में यह स्पष्ट किया गया है कि सर्किल SC की पूर्व अनुमति ली जाए। DE भास्कर राव ने बिना अनुमति के 33 KV अमुगुड़ा फीडर पर LC दे दी। इस कारण उस दिन सुबह 10:05 से 10:35 तक बिजली आपूर्ति बंद रही। उसी समय पूर्व मंत्री और BRS नेता मल्लारेड्डी नगरम में चुनाव प्रचार सभा कर रहे थे। इसी क्रम में मौजूदा कटौती पर उनकी टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला निगम कार्यालय के संज्ञान में लाया गया। CMD ने SC व CGM को रिपोर्ट देने को कहा। पता चला कि बिना उच्चाधिकारियों की अनुमति के आधे घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। इसे गंभीरता से लेते हुए मालिक DE नगराम ने AE के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ ही लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं। इसके चलते कुछ लोग नियमों का ठीक से पालन किए बिना ही घटिया इलेक्ट्रिक वाहन बनाकर बाजार में बेच रहे हैं। जिन उपभोक्ताओं ने इन्हें खरीदा है उन्हें सेवा समस्याओं के साथ साथ बैटरियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में नेरेडमेट भरनी कॉलोनी का धर्म तेजा नाम का एक व्यक्ति एक इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी को चार्ज करने एक तरफ रखा था। अचानक बैटरी से धुआं और आग फैल गई और बैटरी फट गई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। पीड़ितों की शिकायत है कि कई बार इलेक्ट्रिक वाहन में कुछ दिनों तक सही माइलेज नहीं मिलने की शिकायत करने वाली कंपनी इस पर अमल नहीं कर रही है। पीड़ित ने बताया कि गाड़ी को लेकर 6 माह पहले कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया गया था। कैंट कांग्रेस विधायक प्रत्याशी श्री गणेश ने आगामी चुनाव के संदर्भ में पूर्व MSE कनुकुला जनार्दन रेड्डी, राष्ट्र सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष युगांधर रेड्डी और ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्रीनिवास गौड़ से विनम्र मुलाकात की।
राज्य सरकार की 6 गारंटी को मैदानी स्तर पर लागू करने के तरीके पर सवाल उठाया। यह सुझाव दिया गया है कि मुख्य रूप से छावनी में चुनाव प्रचार और प्रत्येक मतदाता से मिलने के लिए आगे की गतिविधियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। श्री गणेश ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार छावनी पर विशेष ध्यान देकर विकास का मार्ग प्रशस्त करने का तत्पर है।